तो ये घर भरानी क्या है भाई, अब नया घर बनाए। पहली बात ये याद रख लो, हमारे सहाबा भी घर बना लिए, लेकिन और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी घर थे। एक ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हो रहा था तो 9 बीवियों के 9 अलग अलग घर थे, समझ रहे ना, 11 बीवियां हैं तो 11 के अलग अलग घर थे। छोटे थे अलग बात है, सहाबा के बड़े भी थे घर वो अलग बात है, लेकिन किसी सहाबी के घर में घर भराने की दावत कभी नहीं हुई, याद रखो, कभी कोई दावत नहीं हुई घर भराने की। अब ये घर बनाने के बाद क्या करना, कुरान और सुन्नत में कोई दलील नहीं मिलती। घर बनने के बाद क्या करना, कुछ खास रस्म है क्या? आपको कुरान और सुन्नत में कुछ भी नहीं मिलती दलील। लेकिन आज सबसे पहले घर बनाने के बाद उसी घर में बकरे को जुबा करना, दूध उबालना। आप जाके देखो गैर मुस्लिम के हर घर में जाने से पहले ये भी बकरा जुबा करना, दूध उबालना जरूर होता है। अच्छा, वो क्यों करते हैं? क्योंकि गैर मुस्लिमों का अकीदा ये है, अब नया घर बने हम तो इसके लिए बलि देना पड़ता। वो लोगों का अकीदा क्या है, बलि देना। बलि का मतलब एक जानवर शैतान के लिए जुबा करना, तो वो शैतान खुश होके हम लोगों को, जो इस घर में रहने वाले हैं, हमको नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए शैतान को खुश करने के लिए जानवर जुबा करते, उसको खून दिखाना बोलते। उसी घर में उस शैतान को खून दिखाकर वो लोग घर में दाखिल होते। आज मुसलमान भी जब तक बकरी या बकरा जुबा नहीं किया उस वक्त तक घर में दाखिल नहीं होता, तो फिर उस गैर मुस्लिम में इस मुसलमान में फर्क क्या रहा? और यही अकीदे से अगर कर रहे तो फिर उसका इस्लाम भी खतरे में है, याद रखो, इस्लाम भी खतरे में है। अगर कोई मुसलमान घर बनाने के बाद ये सोचा कि नहीं भाई कुछ तो भी होता होगा, बकरा जुबा नहीं करके मैं कैसा जाऊं, अगर डर रहा है तो समझो वो शिर्क है, वो शिर्क कर रहा है, सरासर शिर्क है। सबसे ज्यादा अल्लाह से डरना था, तू आज एक शैतान से डर रहा है, मेरे घर में जाने से मुझे नुकसान होता, ये डर तेरे अंदर है, तो ये शिर्क है, बदतरीन शिर्क है, अल्लाह के लिए गौर कर। तो आप घर बनाने के बाद ना दावत करेंगे ना किसी ऐसी दावत में जाएंगे, याद रखो ये इस्लामी दावत नहीं है जिसमें ये काम। अच्छा, अगर किसी को याद रखो सबसे पहले कि ये घर भराने की दावत में, अच्छा बकरा ही क्यों जुबा होता? मैं कई लोगों से पूछा, भाई ठीक है आप क्या बोलते हैं, वहां पर एक बहाना बनाते, नहीं भाई घर बनाए तो खुशी में दावत दे रहे जी, हम कुछ भी नहीं कर रहे, आओ हमारे घर में, सिर्फ खुशी की दावत दे रहे, आओ ना। ठीक है भाई, खुशी की दावत ही तेरे को देना है ना, तो मुर्गी जुबा क्यों नहीं करता, मुर्गी की बिरयानी क्यों नहीं बनाता, चिकन बिरयानी क्यों नहीं बनाता, बकरा ही क्यों जुबा करता? क्योंकि वहां पर अकीदा लगा हुआ है नए घर में बकरा ही जुबा करना, ये शिर्क है, फिर ऐसी दावतों में जाना जायज।